सो स्टूडेंट आइए चलिए देखते हैं आज का जो टॉपिक है बहुत ही इंटरेस्टिंग है। 11th स्टैंडर्ड का आज टॉपिक है, देखते हैं बच्चे। आइए चलिए ग्रीन एल्गी के बारे में यहां पे देख रहे हैं। चलिए मैंने यहां पे क्या लिखा है, ग्रीन एल्गी। अब देखिए भाई आज के बाद आपको इस टॉपिक में कभी भी दिक्कत नहीं आने वाली है। ओके स्टूडेंट चलिए अब देखिए एल्गी जो ये टर्म दी है, देखो मैं सबसे पहले बेसिक से पढ़ा रहा हूं आपको कि ये जो टर्म दी है वो एक साइंटिस्ट ने दी है, उसको आप जानते भी हो, और उसका नाम क्या था, कैरोलस लीनियस था। क्या नाम था, कैरोलस लीनियस। तो कैरोलस लीनियस ने क्या टर्म दी है भाई, एल्गी टर्म दी है जो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, राइट। अब देखिए यहां पे अगर मैं इसके फादर की बात करूं, अगर मैं फादर की बात कर रहा हूं अच्छा फादर से पहले एल्गी की जो स्टडी होती है, उसको क्या बोलते हैं, फाइकोलॉजी बोलते हैं, राइट स्टूडेंट। उसको क्या बोलते हैं, फाइकोलॉजी। ठीक है भाई, तो इसका मतलब एल्गी की जो स्टडी होती है उसका नाम बच्चे क्या है, फाइकोलॉजी। और जो फादर है फाइकोलॉजी के, दैट इज फ्रिश। ये आपको याद रखना है कि फ्रिश कौन है, यहां पे फादर है। ठीक है भाई, फाइकोलॉजी के मतलब क्या है, फादर है। इनकी एक बुक है, बुक का नाम क्या है, द स्ट्रक्चर एंड रिप्रोडक्शन ऑफ एल्गी। तो इस बुक के अंदर इन्होंने एल्गी के बारे में बताया है, ऑफ एल्गी, राइट। तो ये बुक है भाई किसकी, इसकी मतलब फ्रिश की बुक है जिसमें इन्होंने एल्गी के बारे में बताया है, राइट। फाइकोलॉजी हो गया। अगर मैं इंडियन फादर की बात करूं, तो यहां पे एक साइंटिस्ट आएंगे जिनका नाम क्या है, एम ओ पी अयंगर। तो क्या अयंगर अंकल कौन है, इंडियन फादर है फाइकोलॉजी के, राइट। तो ये क्या है, बेसिक डिटेल मैंने आपको बता दी है, बट यहां पे ये इंपॉर्टेंट है कि मेरे सामने तीन क्लासेस होती हैं, किसकी, एल्गी की। थ्री क्लासेस है मेरे पास में। चलिए सबसे पहले देखिए यहां पे अगर मैं क्लासिफिकेशन की बात कर रहा हूं एल्गी के क्लासिफिकेशन की अगर बात करूं तो मेरे सामने तीन एल्गी हैं। सबसे फर्स्ट क्लोरोफाइसी, जिसको कॉमन अपन क्या बोलते हैं, ग्रीन एल्गी, राइट स्टूडेंट। तो क्या भाई क्लोरोफाइसी मतलब क्या होता है, ग्रीन एल्गी, राइट। सेकेंड जो एल्गी होती है जिसको बोलते हैं फियोफाइसी, जिसको हम कॉमन क्या बोलते हैं, ब्राउन एल्गी। और जो थर्ड एल्गी है जो हमारी एनसीईआरटी में नहीं है बट आपके लिए इंपॉर्टेंट है, उसका नाम क्या हो जाएगा, ज़ैंथोफाइसी मतलब येलो ग्रीन एल्गी, राइट। ये तीन एल्गी हो गई। और जो फोर्थ एल्गी है जो हमारी एनसीईआरटी में है, दैट इज रेड एल्गी, दैट इज रोडोफाइसी। इसका मतलब दिस इज रेड एल्गी, बट आज हम पढ़ने वाले हैं सिर्फ ओनली क्लोरोफाइसी मतलब ग्रीन एल्गी के बारे में। और आज के बाद आपको ग्रीन एल्गी में कभी भी डाउट नहीं आने वाला है, और बहुत सारी चीजें यहां पे क्वेश्चन भी आते हैं आपके मेडिकल एग्जाम में और बोर्ड एग्जाम में एल्गी से, राइट। आइए चलिए अब ग्रीन एल्गी देखते हैं, मतलब क्लोरोफाइसी देखते हैं। चलिए यहां मैंने लिखा है क्लोरोफाइसी, एक एक करके देखते हैं बेसिक पॉइंट। इसका मतलब ग्रीन एल्गी, राइट। सबसे पहली चीज इंपॉर्टेंट, मोस्ट एडवांस एल्गी। सेकेंड चीज, सबसे एडवांस एल्गी है, अंडरलाइन कर दिया है भाई, इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब दिस एल्गी, मैंने यहां पे एक पॉइंट लिखा, दिस एल्गी इज द एंसिस्टर ऑफ हायर प्लांट्स। इसका मतलब हायर प्लांट्स के क्या है, ये एंसिस्टर है,
इसका मतलब ये हुआ कि जो हायर प्लांट्स होते हैं वो ग्रीन एल्गी से ओरिजिनेट हुए हैं, दीज आर द एंसेस्टर ऑफ द हायर प्लांट। मतलब ये एल्गी क्या है, एंसेस्टर है हायर प्लांट्स की। अब देखिए भाई, सबसे इंपॉर्टेंट चीज इसकी फॉर्म्स के बारे में पढ़ते हैं, फॉर्म्स, और इसमें जितने भी एग्जांपल्स हैं वो हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, राइट। एक एक चीज आज हम ग्रीन एल्गी के बारे में यहां पे देखेंगे, एक भी मतलब कोई भी चीज यहां पे छूटेगी नहीं, ओके, जिससे आपके लिए कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आप इजिली सॉल्व कर सकते हैं, राइट। सबसे पहले यहां पे देखिए, मैंने लिखा यूनिसेल्यूलर, यूनिसेल्यूलर, यूनिसेल्यूलर में आपको दो एल्गी के नाम याद रखने हैं, यूनिसेल्यूलर में मोटाइल और यूनिसेल्यूलर में नॉन मोटाइल। मैं बार बार बोल रहा हूं, एग्जांपल्स आर वेरी वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर यू। नॉन मोटाइल, मैंने यहां पे लिखा मोटाइल में क्लैमिडोमोनास, क्लैमिडोमोनास। तो जो क्लैमिडोमोनास है ये एक यूनिसेल्यूलर मोटाइल एल्गी है, राइट। नॉन मोटाइल की बात करूं तो क्लोरेला, क्लोरेला एल्गी। आपको पता होगा क्लोरेला एक ऐसी एल्गी है जिसको हम स्पेस ट्रैवलर में यूज करते हैं, स्पेस ट्रैवलर में यूज की जाने वाली एल्गी है, क्योंकि इसके अंदर बहुत रिच अमाउंट में, इट कंटेन रिच अमाउंट ऑफ प्रोटीन, इसके अंदर प्रोटीन की मात्रा बहुत ज्यादा होती है, इसमें प्रोटीन की मात्रा बहुत ज्यादा होने की वजह से इसको स्पेस में यूज किया जाता है, क्योंकि इसके अंदर क्या है, प्रोटीन बहुत ज्यादा है क्वांटिटी, ठीक है। तो ये दोनों क्या हो गए, यूनिसेल्यूलर एल्गी हो गई। वहीं पे अगर मैं दूसरी फॉर्म की बात करूं तो कॉलोनियल, दूसरे की बात करूं, ये था फर्स्ट यूनिसेल्यूलर फॉर्म, दूसरा होता है कॉलोनियल फॉर्म, कॉलोनियल। तो कॉलोनियल के अंदर भी दो फॉर्म आपको देखनी है, वही एक मोटाइल और एक नॉन मोटाइल। मोटाइल में देखिए वॉलवॉक्स आता है, वॉलवॉक्स, और वॉलवॉक्स को आप जानते हैं कि हम इसको किस नाम से जानते हैं, याद रखेंगे, वॉलवॉक्स को हम वाटर नेट कहते हैं। क्या कहते हैं, वाटर नेट, जाल जैसा होता है ये, जाल जैसी एल्गी होती है, तो वॉलवॉक्स को हम मतलब क्या बोलते हैं, क्या, वाटर नेट। दूसरी जो नॉन मोटाइल है इसका नाम क्या हो जाएगा, हाइड्रोडिक्टन, हाइड्रोडिक्टन, हाइड्रोडिक्टन। तो हाइड्रोडिक्टन क्या है, एक कॉलोनियल नॉन मोटाइल ग्रीन एल्गी है। तो आपको एग्जांपल याद हो गया होगा, आइए चलिए आगे देखते हैं। देखिए इसके बाद में फिलामेंटेनस की बात करूं, फिलामेंटेनस, फिलामेंटेनस की अगर मैं बात कर रहा हूं, फिलामेंट फॉर्म में जो होती है वो होती है स्पायरोगायरा, स्पायरोगायरा, स्पायरोगायरा का बचपन का जो नाम होता है इसको किस नाम से हम जानते हैं, पॉन्ड सिल्क के नाम से जानते हैं, पॉन्ड सिल्क के नाम से जानते हैं, राइट। और एक होता है क्या, उलोथ्रिक्स, उलोथ्रिक्स ग्रीन एल्गी, उलोथ्रिक्स को हम किस नाम से जानते हैं, पॉन्ड वूल के नाम से जानते हैं, पॉन्ड वूल के नाम से जानते हैं। आपके मेडिकल एग्जाम में आएगा कि इन चारों में से कौन है पॉन्ड सिल्क, तो आंसर क्या होगा, स्पायरोगायरा, राइट। इसके बाद में एक एल्गी है जो कि जिसका नाम है अल्वा, अल्वा, अल्वा को हम क्या बोलते हैं, सी लैटियस कहते हैं, सी लैटियस कहा जाता है, सी लैटियस कहा जाता है बच्चे, ठीक है। तो अल्वा भी हो गया। एक है कारा, कारा एक बहुत ही प्यारी ग्रीन एल्गी है जिसके अंदर आपको दो चीजें याद रखनी है, इसके मेल पार्ट को क्या कहते हैं, मेल जो पार्ट होता है उसको अपन क्या कहते हैं, उसको मैं अलग पेन से लिख देता हूं, यहां पे मेल पार्ट को कहते हैं ग्लोब्यूल। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एम्स में आया हुआ है, बीएचयू में आया हुआ है, जिपमर में आया हुआ है, सीएमसी वेल्लोर में आया हुआ है, ग्लोब्यूल कहते हैं। और फीमेल पार्ट को, जो फीमेल जो पार्ट होता है उसको नॉक्यूल कहते हैं, नॉक्यूल कहते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। तो कारा आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब दूसरी चीज, दूसरी चीज ये, दूसरी चीज बच्चों ये कि यहां पे आपको कौन कौन से पिगमेंट मिलेंगे, फोटोसिंथेटिक पिगमेंट आपको कौन कौन से मिलेंगे। तो याद रखेंगे कि हमको ग्रीन एल्गी के अंदर क्लोरोफिल, क्लोरोफिल ए मिलेगा और बी मिलेगा और जैंथोफिल मिलेगा, जैंथोफिल, और जैंथोफिल में भी कौन सा, वियोला जैंथिन, वियोला जैंथिन और डीनोजैंथिन, डीनोजैंथिन,
ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ये फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स आपको याद रखने हैं, ये भी आपसे मेडिकल एग्जाम में पूछा जाएगा। इससे भी सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जो रिजर्व फूड मटेरियल होता है, रिजर्व फूड मटेरियल, तो ग्रीन एल्गी का जो रिजर्व फूड मटेरियल है वो याद रखेंगे, स्टार्च होता है। क्या होता है? स्टार्च होता है। तो भाई आपको मैंने ग्रीन एल्गी के बारे में जितनी भी इंपॉर्टेंट चीजें थी वो मैंने आपको यहां पे बता दी है, चाहे वो रिजर्व फूड मटेरियल हो, चाहे वो क्या फोटोसिंथेटिक पिगमेंट हो, और चाहे वो एग्जाम्पल से रिलेटेड हो। और सारे एग्जाम्पल आपको समझ में आ गए होंगे कि उलोथ्रिक्स को हम क्या बोलते हैं, पॉन्ड सिल्क बोलते हैं, स्पायरोगायरा को हम क्या बोलते हैं, पॉन्ड सिल्क बोलते हैं, और इसको पॉन्ड वूल बोलते हैं, राइट। यहां पे अब एक चीज और है कि हमने जो क्लासिफिकेशन किया एल्गी का, वो हमने किया है ऑन द बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन, जो किया है वो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट के बेसिस पे किया है, राइट। तो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट के बेसिस पे हमने एल्गी का क्लासिफिकेशन किया है। तो बच्चों आज का टॉपिक बहुत ही इजी था, आपको इजी वे में समझ में आ गया होगा, उम्मीद करता हूं। इसी तरीके से बायोलॉजी के और वीडियोस अपन देखेंगे। आइए चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। बाय बाय।